तो मेरा नाम है अभिषेक और मैं लखनऊ से हूँ। तो मेरे बारे में जानने से पहले आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि पहले मुझे कहानियाँ सुनना और वीडियोस देखना पसंद था। और कहते हैं ना कि जिस काम में आपको मज़ा आए और जहाँ आपका मन लग जाए काम वही करना चाहिए। तो भाई मेरा मन वीडियोस में लग गया और अब बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले मुझे वीडियोस देखना पसंद था और अब मुझे वीडियोस बनाना और ख़ुद को उन वीडियोस के अंदर देखना भी पसंद है। तो ये मेरी पहली कहानी और मेरा पहला ब्लॉग है। और इधर आने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके पहले मैंने क्या क्या किया है। तो 3 साल से मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ और इस छोटे से वक्त में मैंने अपने आसपास हो रहे मंज़र को अपने कैमरे में कुछ इस तरह कैद किया है कि चाहे वो बनारस का घाट हो या वो हो मसूरी की वादियाँ, चाहे वो खिलती हुई कली हो या वो हो मुरझाया सा फूल, चाहे वो खुशी से चहकती हुई मुस्कानें हो या वो हो किसी का दुख दर्द बयां करते आंसू, चाहे वो ज़मीन में पड़े पत्थर हो या वो आसमान में खेलते बादल। लेकिन ये सब तो हुआ पैशन के लिए, पर भैया रोटी कपड़ा और मकान नाम की भी कोई चीज़ होती है ना। तो उसके लिए मैंने फ्रीलांसिंग फोटोग्राफी करी, अंडरग्राउंड जैम्स और इवेंट्स कवर किए, प्रोफेशनल शूट्स करे, पर इतना सब करने के बाद भी मैं खुद से पूरी तरह खुश नहीं था। कुछ तो कमी लग रही थी। और तब मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं अभिषेक भाई, सिर्फ फ़ोटो से काम नहीं चलेगा, अपने को अपनी खुद की वीडियोस ही बनानी है। हाँ, लेकिन कैसे बनानी है, क्या बनानी है, किस टॉपिक पे बनानी है, ये सब नहीं पता था। पर हाँ, बनानी ज़रूर है। अरे भैया, जुनून चढ़ गया था भाई के सर पे ब्लॉगिंग का। और ये सब सोचते सोचते लग गया लॉकडाउन। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। और ये लॉकडाउन मैंने खुद के साथ गुजारा, खुद से वो सवाल किया जिनकी तरफ पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और उस वक्त ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, मेंटली स्ट्रांग बना दिया। और फिर जब धीरे धीरे लॉकडाउन लिफ्ट होना शुरू हुआ तो आपका भाई एक छोटी सी शुरुआत के लिए एकदम तैयार था। और जब अगस्त में चीज़ें थोड़ी कंट्रोल में आई तो मैंने अपने दोस्तों के साथ मिल के नीमसार जाने का प्लान किया। और वो था मेरा पहला कदम इस व्लॉगिंग की जादुई दुनिया में। भाई सच बोलूँ तो मुझे तब भी नहीं पता था कि वीडियो बनाकर पोस्ट करूँगा भी या नहीं। बस कैमरा उठाया और एक जुनून के साथ निकल गए कि एक बार ट्राई तो करेंगे और कुछ तो बात है अपने में, ये दिखाएंगे। और भाई वो वीडियो बनी और मैं लोगों की तारीफ़ों से ज़्यादा अपने काम से खुश था। और उस दिन मुझे सुकून की नींद आई और तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं भैया, अब तो यही करना है और अब से मैं ऐसी वीडियोज़ बनाऊँगा, ऐसे बातें करूँगा। क्योंकि भाई मुझे अपने कैमरे से बोलने का जो डर होता है ना, वो निकालना है, मतलब ख़त्म करना है भाई एकदम बस। और इस तरह आज मैं अभिषेक अवस्थी आपके सामने पहुँच गया हूँ। अरे भैया हाँ, अब आप पूछेंगे कि अभिषेक भाई अगर आपको ब्लॉगिंग ही करनी थी तो सीधा यूट्यूब पे क्यों नहीं आ गए? आपके तो शॉर्ट्स भी अच्छे हैं, सिनेमैटिक भी अच्छा है, आपके पास तो इक्विपमेंट्स भी हैं, फिर क्यों यूट्यूब से शुरुआत नहीं करी? ये IGTV से मिलता ही क्या है, क्या मसला क्या है इंस्टाग्राम का? तो यार ऐसा है, मुझे यूट्यूब करना था पर तैयारी के साथ, क्योंकि अम्मा मियाँ हम लखनऊ से हैं और लखनऊ वाले बॉम्ब फोड़ते हैं, खुश नहीं होते हैं। और व्लॉगिंग में मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो अहमियत रखता है वो है स्टोरी टेलिंग और मेरा और मेरे कैमरे के बीच का कनेक्शन, क्योंकि ये कनेक्शन मुझे और आपको एक करता है। बस सिर्फ इसी कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने IGTV पे वीडियोस बनाई, स्टोरीज से बातें करी और फिर वहाँ से सीख के, गलतियाँ करके, इंफॉर्मेशन के साथ अब मैं आ गया हूँ बॉम्ब फोड़ने। अरे नहीं नहीं नहीं, तो मैं आ गया हूँ यूट्यूब पे शुरुआत करने। और अब एक बहुत ही टाइट लाइन में यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ, बिकॉज व्हेन अ थिंग इज़ ओवर Another new journey begins। और मैं इंस्टाग्राम से यूट्यूब पेज ले आया क्योंकि भाई ये प्लेटफॉर्म ना और भी ज़्यादा एक्सपोजर प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे मैं और भी ज़्यादा खुल के बता सकता हूँ अपनी कहानी, अपनी रीच बढ़ाने का और लोगों से इंटरेक्ट करने का और इस ब्लॉगिंग की दुनिया में एक्सपीरियंस गेन करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़रिया है और वो है यूट्यूब। और भाई ऐसा सिर्फ मुझे लगता है, आपका बेशक हो सकता है। और भाई अगर आपको अपने काम में मज़ा भी आ रहा है, उसी काम से आपको मेहनत का फल मिल रहा है, और यहाँ फल से मेरा मतलब अंगूर या सेब से नहीं है बल्कि मनी से है, क्योंकि भाई मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अरे भैया, वरना खाएंगे क्या और बनाएंगे क्या? तो बस इसलिए आज मैं अभिषेक अवस्थी आपको इस प्लेटफॉर्म पे नज़र आ रहा हूँ।
भाई एक चीज़ जो हम सब में कॉमन है और वो ये है कि हम सब कभी ना कभी किसी ना किसी को देख के इंस्पायर जरूर हो चुके हैं। और भैया जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इंस्पिरेशन होना ज़रूरी भी है। और इस ब्लॉगिंग की दुनिया में कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना भाई, जिनकी वीडियोस ने मुझे इतना इंस्पायर और इतना मोटिवेट किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इनकी वीडियोस बार बार देखने पर भी मुझे बोरियत नहीं लगती है, बल्कि हर बार एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। इनकी मेहनत, इनका काम, इनकी डेडिकेशन और इनका कॉन्टेंट भाई सब एक नंबर है। तो भाई सब तो जान लिया आपने मैं यहाँ क्यों आया से लेकर किस लिए आया तक, लेकिन आप मेरी वीडियोज़ देखने क्यों आएंगे ये भी तो मुझे ही बताना है ना। तो ये जो चैनल है ना अभिषेक अवस्थी नाम का, तो भाई यहाँ अभिषेक भाई को खुद भी नहीं पता है कि यहाँ क्या क्या देखने को मिलेगा। नहीं नहीं भाई, यह अभिषेक भाई बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, बस अभिषेक भाई खुद को किसी भी तरह लिमिट नहीं करना चाहते हैं। तो मुझे जो भी अपने आसपास शेयर करने वाला लगेगा भाई मैं वो यहाँ ज़रूर शेयर करूँगा। तो यहाँ आपको ब्लॉग्स मिल सकते हैं, ट्रैवल वीडियोज़ हो सकती हैं, एक्सप्लोरेशन हो सकता है। और भाई मेन चीज़ भैया मेन चीज़ आ रही है, देखिए मैं, मेरी बातें और मेरे विचार हो सकते हैं। तो अब बस मुझे खुद को एक्सप्लोर करना है, रुकना नहीं है, मतलब समझ रहे हैं भाई आप। कंटेंट बहुत है भाई के पास और भाई को बातें करना कितना पसंद है ये तो आपको अब तक समझ आ ही गया होगा। और इन सारी बातों को, सारे एक्सपीरियंस को मैं एक मेमोरी बना के हमेशा के लिए सेव करना चाहता हूँ एक मेमोरी कार्ड में। अरे भैया अपने बच्चों को भी तो दिखाना है। वैसे मेमोरी कार्ड का नाम बताया क्या मैंने आपको? नहीं बताया तो सुन लीजिए, उस मेमोरी कार्ड का नाम है